और अभी की एक बड़ी खबर, पुलिस हाउसिंग क्वार्टर से पार्क सर्कस तोपसिया इलाके में तैनात कोलकाता पुलिस के एक ट्रैफिक सर्जेंट की लाश मिली है। ट्रैफिक सर्जेंट की लाश मिलने की इस घटना से पूरे कोलकाता पुलिस महकमे में खलबली मच गई है। ट्रैफिक सर्जेंट की लाश नॉर्थ कोलकाता के काशीपुर के पास सेकंड बटालियन हाउसिंग क्वार्टर के फ्लैट से बरामद हुई है। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक फ्लैट का दरवाज़ा अंदर से बंद था। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस की शुरुआती सोच है कि ट्रैफिक सर्जेंट ने खुद ही अपनी जान दी है। कोलकाता पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मरने वाले ट्रैफिक सर्जेंट का नाम सौरभ दत्ता है। सौरभ दत्ता इस ट्रैफिक गार्ड में तैनात था। इस ट्रैफिक गार्ड का दफ्तर तोपसिया थाने में है। इस ट्रैफिक गार्ड पार्क सर्कस 4 नंबर इलाके में ट्रैफिक की जिम्मेदारी संभालता है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार सवेरे जब काफी देर तक ट्रैफिक सर्जेंट सौरभ दत्ता के फ्लैट का दरवाजा नहीं खुला, तब काशीपुर थाने को खबर दी गई। खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस। जब फ्लैट का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई तो वहां सौरभ दत्ता की झूलती हुई लाश दिखाई दी। फ्लैट के अंदर और कोई नहीं था। पुलिस सौरभ की रहस्यमयी मौत के कारणों की जाँच कर रही है।